दौर है, इतना भयानक दौर है साहब कि वक्त आने पर इंसान को बोलना पड़ता है। न बोलने वाले को ना ये दुनिया जमीन में दफन कर देती है साहब। याद रखिएगा, किसी शायर ने ऐसे ही मौके पर शायद कहा था कि जो है जब हालात कमजोर होते हैं ना तो इंसान बोलना छोड़ देता है, जब इंसान बोलना छोड़ देता है ना तो ये जो है दुनिया वाले उस इंसान को जिंदा जमीन में गाड़ देते हैं, उसका हक तक उसको नहीं दिया जाता। और आज हालात इतने बिगड़े हैं ना साहब कि जिसको बोलने का ढंग नहीं है ना वो भी बोल बोल करके मंत्री बन जाता है। हम तो वो कौम हैं, हम वो कौम हैं जिस कौम का आलम यह है कि हमारी आवाज किसी लाउड स्पीकर की मोहताज नहीं है, हमारी आवाज किसी लाउड स्पीकर की मोहताज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द मोमिन के जबान में तौसीर अता फरमाई है ना कि मोमिन एक मर्तबा पुकारता है तो उसकी आवाज जमीन और आसमान में गूंजती है। आप कहोगे साहब कैसे, तो आप याद रखें अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुक्म दिया है तो इब्राहिम खलीलुल्लाह को, इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब अल्लाह के घर की तामीर को मुकम्मल कर लिया, मुकम्मल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्राहिम अब ऐलान कर दो कि मेरे बंदे आकर के मेरे खाने काबा का तवाफ करें, ऐलान कर दो मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों। उस वक्त जो है जिस वक्त आपने खाने काबा की तामीर किया था, मक्के में कोई आबादी नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था, सुनसान चटियल मैदान है, बबूलों का जंगल है, दरख्त है बबूलों के दरख्त है और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है जहाँ कोई फरियाद को सुनने वाला नहीं है। ऐसे आलम में इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा था ए परवरदिगार आलम अगर मैं यहाँ से आवाज दो तो मेरी आवाज को सुनेगा कौन, मेरी आवाज में इतना तासुर कहाँ है, मेरी आवाज कहाँ तक जा सकती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्राहिम आवाज देना तुम्हारा काम है, आवाज को पहुंचा देना तेरे रब का काम है। तुम आवाज दो तेरा रब पहुंचाने के लिए तैयार है। इब्राहिम अलैहि सलाम ने सदा लगाई, आवाज लगाई अल्लाहुम लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक और खाने काबा का तवाफ शुरू किया। आवाज लगाई अल्लाह के बंदो आओ अल्लाह के घर का तवाफ करो। उस वक्त इलेक्ट्रिक मीडिया का जमाना नहीं था, व्हाट्सएप फेसबुक का दौर नहीं था, ट्विटर का जमाना नहीं था, लेकिन अल्लाह की कुदरत का मंजर बनकर के इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब आवाज लगाई तो आलम यह था कि इब्राहिम खलीलुल्लाह की आवाज सात तबक जमीन और सात तबक आसमानों ने सुना था। सुभान अल्लाह, आसमानों ने सुना था। साहब ये तो इब्राहिम खलीलुल्लाह की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उस नबी के उम्मत में हैं जिस नबी के उम्मत में एक गौसे पाक, एक गौसे पाक अगर बगदाद की सरजमीन पर हूं और सरजमीने बगदाद के मेंबर से आवाज लगा दें कि कदमी हाजा अला रकबती लिकुल्ले वलीला, अगर एक गौसे पाक मेरे मुस्तफा का लाडला, मेरे मुस्तफा के घराने का एक बेटा अगर बगदाद की सरजमीन से अपनी सदा को बुलंद करते कदमी हाजा अला रकबती लिकुल्ले वलीला तो उसकी आवाज सिर्फ बगदाद ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के गौसो कुतुब के कानों तक गूंज जाए, पूरे जमीन और आसमान में गूंज जाए। जो वली जहां हो वहीं से सर झुका दे। तारीख बताती है जिस वक्त सरकार गौसे पाक ने यह ऐलान बगदाद के मेंबर से फरमाया था उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान की सरजमीन पर एक पहाड़ के वादी में अल्लाह के बारगाह में इबादत में मशगूल है। जब यह आवाज कानों में गूंजी है तो अपने आप को गरीब नवाज रोक नहीं पाए, अपने सर को झुका लिया, इतना झुकाया इतना झुकाया कि सजदा हो जाता। हाथ पे गरीबी से आवाज आई अपने सर को रोक लो वरना कहीं सजदा ना हो जाए। अल्लाह अकबर, और फरमाया गौसे पाक आपका कदम सिर्फ कंधे ही पर नहीं है, मोइनुद्दीन के सर और आंखों पर। आप अंदाजा कर सकते हैं जब नबी के बेटे का ये मकाम है तो मेरे मुस्तफा का मकाम क्या होगा, मेरे मुस्तफा की अजमत का मकाम क्या होगा। बहरहाल मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जो बात मैं बता रहा था अपनी बातें पूरी करनी, जब हजरत उमर से नबी ने पूछा उमर सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते थे, उमर ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। जब इतना सुनना था ना मेरे मुस्तफा ने फरमाया उमर अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया।
और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हारे जान, तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद हर चीज से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न कर लो। सुभान अल्लाह। और जो गुलाम अपने मुस्तफा से मोहब्बत कर ले उस गुलाम का आलम क्या पूछना साहब, उस गुलाम का आलम क्या पूछना। जो नबी का सच्चा आशिक बन जाए, इश्क मुस्तफा में डूब जाए ना, उस गुलाम का आलम क्या होता है। वो तो बज़ाहिर गुलाम है लेकिन नबी के इश्क की गुलामी का पट्टा गले में डालने वाला दुनिया का इमाम बन जाया करता है। आप कहोगे कैसे, तो नबी की मोहब्बत किसको कहते हैं, हजरत बिलाल से पूछो। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल से पूछो, हजरत बिलाल एक शख्स के गुलाम हैं, अल्लाह अकबर, एक हबशी के गुलाम हैं आप। आलम ये होता है, जब वाकया लंबा है मुख्तसर बताऊं, जब नबी से इश्क हो गया, नबी से मोहब्बत हो गई, नबी का कलमा हजरत बिलाल ने पढ़ लिया, अब जहां कहीं रहते थे अपने मुस्तफा की तारीफ किया करते थे। सुभान अल्लाह। कहीं रहते अपने नबी के याद में मगन रहते, कहीं मुस्तफा के सूरत को बयान करते, कहीं नबी के सीरत को बयान करते, जहां रहते बस उसी में मगन रहते, उसी में खोए रहते थे। अल्लाह अकबर। आलम यह होता है कि आप जिसके गुलाम थे उसने देखा कि मेरा गुलाम मोहम्मद अरबी का गुलाम बन चुका है, तो याद रखिएगा हजरत बिलाल को दौलत की लालच दी गई। बिलाल ने कहा दौलत की जरूरत नहीं है, मेरे ईमान को दौलत पे नहीं खरीद सकते हो। अल्लाह अकबर। उसके बाद आलम यह होता है, हजरत बिलाल के बदन पर कोड़े लगाए जा रहे हैं, कोड़े लगाए जा रहे हैं। आओ जरा इश्क करने वालों का अंदाज देखो साहब, आज तो हम नबी के मोहब्बत में अपने घर से निकल करके नहीं आते हैं, आज नबी के मोहब्बत में हम खड़े नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो बिलाल की मोहब्बत है। जरा कुर्बान जाओ मेरे प्यारे बुजुर्गो दोस्तों, हबश की धरती पर बिलाल के जिस पर इतने कोड़े मारे गए, इतने कोड़े मारे गए कि जिस्म के ऊपर कोई भी हिस्सा बाकी नहीं था जहां से खून के फवारे ना निकले हो। अल्लाह अकबर। बिलाल दश खा करके जमीन पर गिर जाते थे, जब होश आता था जालिम कहते थे तू बिलाल नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, बिलाल कहते थे नहीं छोड़ूंगा, फिर कोड़े मारे जाते थे, फिर बिलाल बेहोश होकर के जमीन पर गिरते थे, फिर होश आता था, बिलाल छोड़ दे नबी का दामन, बिलाल कहते थे नहीं छोड़ूंगा, उस जबान से अपने नबी का नाम लिया करते थे, या मोहम्मद आके के पुकारा करते थे। आलम यह था, हजरत बिलाल के जख्मों पर दुनिया ने नमक रगड़ दिया, बिलाल अभी भी नबी का दामन छोड़ दे, बिलाल ने कहा नहीं छोड़ूंगा। हाल यह होता है, उस आशिक सादिक को लोगों ने रुए जमीन पर लेटाकर, बालू के रेत पर लेटाकर, गले में रस्सियां बांध करके जमीन पर घसीटा गया, बिलाल छोड़ दे नबी का दामन, बिलाल ने कहा नहीं छोड़ूंगा। यहां तक कि जब नबी का नाम लेने लगे तो बिलाल के जबान पर अंगारे रख करके जबान को जला दिया जाता है, बिलाल छोड़ दे नबी का दामन। बिलाल ने पुकार करके कहा था, ऐ रहज़नो ये जिस्म लो, ये जान लूट लो, ऐ रहज़नो ये जिस्म लो, ये जान लूट लो, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है। कहा दिल तो मैं मोहम्मद अरबी को दे चुका हूँ, अब चाहे तुम मेरी जान लेना है तो ले लो, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकते हो। अल्लाह अकबर। ये गुलामी का आलम था हजरत बिलाल का। आओ अब जरा आगे बढ़ करके देखते हैं, जब नबी से गुलाम मोहब्बत कर लेता है तो नबी के बारगाह से उस गुलाम को इनाम क्या मिलता है। इनाम क्या मिलता है? अरे भाई, हर जो है मजदूर की मजदूरी होती है ना, होती है कि नहीं होती? अरे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने भी अल्लाह का घर बनाया तो मजदूरी अल्लाह ने फरमाया था, कहा इब्राहिम मजदूरी मांग लो ना, तूने मेरे घर की तामीर की है, मजदूरी मांग लो। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा मौला मांगू क्या? कहा तुम्हारी तबीयत जो चाहो मांग लो, कुर्बान जाए। एक ऐसा मकाम है ना हरम के अंदर जिसको मकाम इब्राहिम कहा जाता है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक ने कुरान में फरमाया है मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बना लो, वहां पे दुआएं कबूल होती हैं। क्यों? वही वो मकाम है जहां से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारगाह में अपने मेहनत की मजदूरी मांगा था। क्या मांगा था ये भी सुन ले, ईमान ताजा हो जाएगा। जब अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम मजदूरी मांग लो ना, तो आप वहां पर गए उस मकाम पर, मकाम इब्राहिम पर एक पत्थर था, उस पत्थर पे खड़े हुए और हाथ उठाई, परवरदिगार हमने तेरे घर की तामीर की है, मौला मैं चाहता हूं कि उसकी मजदूरी के बदले में अपने आखिरी महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरी नस्ल में पैदा फरमा देना, ताकि वो काबे की हिफाजत कर सके। सुभान अल्लाह। काबे की हिफाजत कर सके।
ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, साहब पूरा घर खुदा का है लेकिन एक जगह को खास क्यों किया गया? इसलिए कि वो मकाम है जिस मकाम पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मांगा गया था, नबी को मांगा गया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उस जगह की अजमत को बढ़ा दिया। दुनिया वालों, यहाँ इब्राहिम ने मेरे महबूब को मांगा है, उनके हक में दुआएं की है, इसलिए तुम भी यहाँ आके दुआ किया करो। घर मेरा है लेकिन ये दर मेरे इब्राहिम का है, उस मकाम पे आकर के दुआ मांगोगे तो तुम्हारे रब की रहमत उसे कबूल फरमाती हुई नजर आएगी। साहब मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो इंसान नबी से मोहब्बत करता है उसको इनाम क्या मिलता है। अब जरा आगे बढ़िए, वही बिलाल हैं। जब नबी से इतनी सच्ची मोहब्बत हो गई, मेरे आका ने बिलाल को खरीद लिया और खरीदने के बाद मेरे मुस्तफा ने बिलाल को मुअज्जिन बनाया। क्या बनाया? मुअज्जिन। बड़े खुश नसीब होते हैं वो मुसलमान ना जो मस्जिद में पांचों टाइम अजान देते हैं, खुश नसीब होते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो मुसलसल जो है अजान देता है ना, कल कयामत के दिन दुनिया के तमाम अजान देने वाले मुअज्जिन हजरत बिलाल के झंडे के साए में होंगे। सुभान हजरत बिलाल के झंडे के साए में होंगे। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, मुअज्जिन बना दिया और फरमाया जब फतेह मक्का हुआ ना, अल्लाह के रसूल ने बुलाया बिलाल को, बिलाल इधर आओ, आए चढ़ो खाने काबा की छत पे, काबा खुदा का घर है, कह दो सुभान अल्लाह, चढ़ो काबे की छत पे। बिलाल चढ़ गए। वाकया बड़ी मशहूर है, आपने सुना होगा, लेकिन दोबारा मैं इसको ताज़ा कर देना चाहता हूँ। हजरत बिलाल काबे की छत पे चढ़े, नबी ने फरमाया बिलाल अजान दो, खामोश हैं। बिलाल अजान दो, खामोश हैं। तीसरी मरतबा का ने फरमाया बिलाल अजान क्यों नहीं देते? बिलाल कहते हैं या रसूलल्लाह, इससे पहले मैंने जहाँ कहीं भी अजान दिया अपना रुख काबे की तरफ किया था। या रसूल अल्लाह, इससे पहले मैंने बयाबान में अजान दिया अपना रुख काबे की तरफ किया था। आका, इससे पहले मैंने खुशकोदर शजरो हजर बहरों पर जहां कहीं भी अजान दिया मेरा रुख काबे की तरफ था। या रसूल अल्लाह, चलते फिरते सफर में अजान दिया अपना रुख काबे की तरफ किया था। जंगलातों मोहल्लात में अजान दिया अपना रुख काबे की तरफ किया था। आज मैं ये सोच रहा हूँ कि काबा मेरे पैरों के नीचे है, मैं किधर रुक करके अजान दूं? अब मेरा किबला क्या हो? मेरे आका फरमाते हैं बिलाल घबराने की जरूरत नहीं है, तूने कहीं से भी अजान दिया अपना रुख काबे की तरफ किया था, लेकिन आज काबे के छत पे खड़े हो तो घबराओ नहीं बिलाल, तू मुझ मोहम्मद की तरफ रुक करके अजान दे, मुझ मोहम्मद की तरफ रुक करके अजान दे दो। शायद ऐसे ही मौके पर अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह रिजवान फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो, ये शान मेरे मुस्तफा की है। साहब जरा देखिए अब गुलामी का इनाम क्या मिलता है। हजरत बिलाल को मुअज्जिन बना दिया गया। और आगे बढ़िए, जब बिलाल को नबी से इतनी सच्ची मोहब्बत हो गई ना, तो मुस्तफा के बारगाह से क्या इनाम मिला? दिल के कानों से सुनिएगा, अल्लाह अकबर। वही बिलाल हैं, मेरे मुस्तफा की मुकद्दस बारगाह है। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन मेरे आका से मुस्कुरा के फरमाते हैं आका आज मैं एक बात दरियाफ्त करना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया कहो बिलाल क्या कहना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बड़े बड़े नेकी करने वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं। मेरे आका, मैं ये जानना चाहता हूँ ना कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? अये बिलाल नबी से पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? अच्छा ये बताइए कि सहाबा के ईमान में कोई शक है? हजरत बिलाल के ईमान में कोई शक है? कोई शक नहीं है। तो हजरत बिलाल को इस बात का इल्म नहीं था कि इल्म गैब सिर्फ खुदा को है। आइए थोड़े से इल्मी नुकात पे बहस कर लिया जाए, थोड़ा सा अकीदा भी मजबूत हो जाए। क्या हजरत, क्या हजरत बिलाल को यह बात नहीं मालूम था कि गैब का इल्म सिर्फ खुदा के लिए है? आज जो आज के दौर में जो लोग दावा करते हैं कि जो है नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं था, पीठ पीछे की खबर नहीं थी, जितना इल्म नबी के पास था उतना पागल और जानवर के पास भी है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे ऐसे फितना परवर लोग हमारे कौम के अंदर पाए जाते हैं, क्या हजरत बिलाल को यह मसला नहीं मालूम था जो मेरे मुस्तफ़ा के पीछे पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे, जिसने मुस्तफ़ा से दीन सीखा है, जिसने मुस्तफ़ा से शरीयत सीखी है, जिसने मुस्तफ़ा से निज़ाम इस्लाम सीखा है, उस बिलाल के पास किस चीज़ की कमी होगी? लेकिन बिलाल को यह मालूम था कि मेरे मुस्तफ़ा
अल्लाह सिर्फ इंसान ही नहीं है, अफजलुल बशर भी है, इमामुल अंबिया भी है। मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने मां कारा और मां यकून का इल्म अता फरमा करके दुनिया में भेजा है। मुस्तफा जानते हैं कल क्या हुआ, नबी उसको भी जानते हैं कल क्या होने वाला है, मुस्तफा उसको भी जानते हैं। अब मान लीजिए कि जन्नत में जाना है तो कयामत आएगी, फैसला होगा, उसके बाद इंसान जन्नत में जाएगा। अरे प्यार से बोले भाई, उसके बाद में जाएगा। और बिलाल कब पूछ रहे हैं? आज से 1450 साल पहले नबी से पूछ रहे हैं, या रसूलल्लाह जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? ये सवाल इस बात का यकीन दिलाता है कि सहाबा के दिल में इतनी मोहब्बत थी नबी की, इतना यकीन था कि सहाबा जानते थे कि मेरे मुस्तफा इल्म गैब जानते हैं। किस बात का इल्म था? तभी ने पूछा बिलाल। अगर नबी को नहीं मालूम होता तो नबी कह देते कि हमको नहीं मालूम है, हम क्या जानते हैं, जहां तुम हो वहां हम हैं, हमको क्या पता। लेकिन जो नबी होता है ना, वो मुख्तार हुआ करता है, सुभान अल्लाह। नबी पावर वाला होता है, नबी इख्तियार वाला होता है। साहब अगर नबी के पास पावर और इख्तियार ना होता तो मूसा कलीमुल्लाह के छड़ी से मुर्दा जिंदा ना होता। अगर नबी के पास पावर और इख्तियार ना होता तो सुलेमान के दरबार में जो है बिल्किस का तख्त नहीं लाया जाता। अगर नबी के पास पावर और इख्तियार ना होता तो याकूब अलैहिस्सलाम के आंखों की बिनाई वापस नहीं आती। अगर नबी के पास पावर और इख्तियार ना होता तो छड़ी से मुर्दा जिंदा ना होता। अगर नबी के पास पावर और इख्तियार ना होता तो उंगली से पानी के चश्मे ना निकलते। अगर नबी के पास पावर इख्तियार ना होता तो उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़ा ना होता। अगर नबी के पास पावर और इख्तियार ना होता तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट के नहीं आता। अगर नबी के पास पावर और इख्तियार ना होता तो मेरे मुस्तफा कयामत तक की पैगाम दुनिया को नहीं देते। मेरे प्यारे बताना, मैं ये चाहता हूँ। हजरत बिलाल पूछते हैं, या रसूलल्लाह जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? मेरे आका इस सवाल को सुन के मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, बिलाल बता दूं। बिलाल ने कहा, या रसूलल्लाह फरमा दिया जाए। मेरे आका मुस्कुराए, बिलाल के चेहरे को देखा और देख करके मेरे आका फरमाते हैं, बिलाल जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो ना भाई, बिलाल जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। हज़रत बिलाल सोचने लगे, या रसूलल्लाह सिद्दीक अकबर जैसी शख्सियत यहाँ मौजूद है, हजरत उमर फारूक आजम जैसी शख्सियत यहाँ मौजूद है, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन हैं, मौला अली हैं, हजरत तलहा व जुबैर हैं, इतने बड़े बड़े सहाबा, इतने बड़े बड़े मर्तबे वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, इस गुलाम की क्या हकीकत है कि इन सहाबा से पहले जन्नत में जाए? मेरे आका फरमाते हैं, बिलाल सहाबा की बात छोड़ दे, तू मुझ मोहम्मद से पहले जन्नत में जाएगा, सुभान अल्लाह, तू मुझ मोहम्मद से पहले जन्नत में जाएगा। अब जब इतना सुनना था तो हम और आप होते तो मचल जाते साहब कि हमको जन्नत का परवाना मिल गया है। लेकिन ये इश्क़े बिलाल है, जब सुना कि नबी से पहले मुझको जन्नत में जाने की बशारत मिल रही है तो बिलाल रोने लगे, आंखों में आंसू तैर पड़ते हैं, बिलाल में साख्ता रोने लगते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे ऐसे जन्नत की जरूरत नहीं है जिस जन्नत में गुलाम आका से पहले जाए। या रसूल अल्लाह मुझे ऐसे जन्नत की जरूरत नहीं है, मैं ऐसी जन्नत में नहीं जा सकता जिस जन्नत में गुलाम पहले जाए आका बाद में जाए। आका मुझे ऐसे जन्नत की दुआ ना दे, मुझे ऐसे जन्नत की हाजत नहीं है। ये बिलाल का इश्क बोल रहा है, आका मैं उस जन्नत में जा ही नहीं सकता जिस जन्नत में गुलाम आका से पहले चला जाए, मुझे ये गवारा नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जन्नत। मेरे आका मुस्कुराए, बिलाल रो नहीं, रो नहीं, आ मैं बताता हूं। ए बिलाल, आपने देखा होगा देहात में कभी कभी ऐसा भी होता है, जब बारात निकलती है ना तो लोग दूल्हे के लिए घोड़ा मंगाते हैं ना, दूल्हा घोड़े पे सवार होता है। अब आप बताइए कि सवार तो घोड़े पर दूल्हा होता है, लेकिन जो लगाम पकड़ के चलता है वो आगे रहता है कि पीछे रहता है? आगे रहता है ना सर, लगाम पकड़ने वाला आगे रहता है। भले दूल्हा का मर्तबा ऊंचा है लेकिन वो सवार है तो पीछे ही ना रहेगा, लगाम पकड़ने वाला आगे रहता है। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया, बिलाल रोने की जरूरत नहीं है, हकीकत यह है कि कल जब फैसला हो जाएगा, जब मेरी उम्मत बख्श दी जाएगी, जन्नत की तरफ जब हम चलेंगे ना बिलाल, तो जिस सवारी पे सवार होकर के मैं जन्नत में जाऊंगा उस सवारी की लगाम तुम्हारे हाथ में होगी और तू गुलाम बनकर के आगे आगे चलेगा, मैं आका बनकर के पीछे पीछे चलूंगा। ये शान हजरत बिलाल की है साहब। जो बंदा नबी से मोहब्बत कर लेता है उस बंदे का मकाम ये होता है कि मेरे मुस्तफा जन्नत की बशारत देते हैं। और याद रखना, ऐ नूरा हाता के सुन्नी से अकीदा मोमिन मुसलमानों, आज इस मेंबर मुस्तफा से आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। आज दुनिया ये कहती है
कि नबी की मिलाद मनाना कहां लिखा हुआ है। नबी की मिलाद मनाना जायज नहीं है, नाजायज है, शिर्क है, बिदअत है। न जाने कितने फतवे लगाए जाते हैं, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ फतवा लगाने वालों से, नाजायज और बिदअत के फतवे लगाने वालों, तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अगर वो नबी नहीं आए होते तो तुझे इस्लाम का कलमा तक नसीब नहीं। अगर मुस्तफा नहीं आए होते तो तू अपने आप को मुसलमान कहने के काबिल नहीं होता। उस नबी की मिलाद मनाने से इनकार करते हो। जो नबी पैदा हुए तो हम गुनहगारों के लिए रोए, पूरी जिंदगी हम गुनहगारों के लिए रोते रहे साहब। हम गुलाम, हम उस शाके रसूल, उस मुस्तफा की मिलाद क्यों ना मनाएं। जो नबी पैदा हुए तो हम गुनहगारों के लिए रोए रातों रात। मेरे मुस्तफा क्याम करते थे हम गुनहगारों के लिए, रोते थे हम शियाकारों के लिए, बदकारों के लिए।